क्या कहा क्रिटिक्स ने जलसा के बारे में, कैसा रहा जलसा में शेफाली शाह और विद्या बालन का परफॉर्मेंस, किसके परफॉर्मेंस ने सबको किया इम्प्रेस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्या बालन और शेफाली शाह की होली के मौके पर आई फिल्म जलसा के बारे में, और ये OTT फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों को कितनी पसंद आई ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, Amazon प्राइम पर होली के मौके पर रिलीज हुई विद्या बालन और शेफाली शाह की फिल्म जलसा ने सभी का दिल जीत लिया है। फिल्म कितनी अच्छी है ये बात हमें इस पर से पता चलती है कि IMDb ने फिल्म डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी का नाम बेस्ट डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर की लिस्ट में डाल दिया है। तुम्हारी सुलू के बाद जलसा में भी उन्होंने हमारी लाइफ के कुछ अनकहे इमोशंस को दिखाया है। ये कहानी दो औरतों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और दोनों का ही किरदार ग्रे शेड्स में ढका हुआ है। दोनों ही अपनी जिंदगी को चैन से जीना चाहती हैं, लेकिन बिल्कुल बुरे हालातों में फंस जाती हैं। साथ ही फिल्म में जर्नलिज्म कैसा होता है वो भी दिखाया गया है। इस फिल्म को लगभग सभी ने 5 में से 4 या 3.5 रेटिंग्स दी हैं, और फिल्म एक मस्ट वॉच थ्रिलर मूवी की लिस्ट में आ चुकी है। फिल्म का एक एक हिस्सा, एक एक किरदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी सीन्स और एक्शंस का एक रिएक्शन है, और आप शुरू से लेकर अंत तक बिना बोर हुए और बिना गेस किए ये मूवी बिना ब्रेक लिए देखने वाले हैं। फिल्म के रिव्यू में इंडिया टुडे ने फिल्म को 3.5 रेटिंग्स दी हैं, और साथ ही लिखा है कि जलसा दो पावर हाउस परफॉर्मर्स के परफॉर्मेंस का सेलिब्रेशन है। और उनके साथ साथ पिंक विला ने भी फिल्म को 3.5 रेटिंग्स दिए हैं, और लिखा है कि जलसा इंजॉयबल परफॉर्मेंसेस और टॉप नॉच स्टोरी टेलिंग वाली एक मस्ट वॉच थ्रिलर फिल्म है। साथ ही द हिंदू ने रिव्यू देते हुए कहा है कि डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने अपने किरदारों के लिए फैंटास्टिक कास्टिंग को चुना है, और कैसे बदलते हुए हालातों में सही करने वाला इंसान भी गलत राह चुन लेता है, इसकी एक बेहतरीन कहानी दिखाई है। इन सभी रिव्यूज पर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जलसा फिल्म आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए। साथ ही अगर हम विद्या बालन और शेफाली शाह के परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो इन दोनों जैसा पावरफुल डुओ हमें कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है, फॉर श्योर। दोनों ही एक्ट्रेस अपने किरदारों के लिए एकदम फिट थी। विद्या जो एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही थी और हमेशा सच्चाई का साथ देने वाली औरत है, वो हालातों के बदलने से मुसीबत का सामना करने की बजाय वहां से भागना चुनती हैं, और शेफाली उनके यहां काम करती हैं, जिसके किरदार में एक मां जो अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहती है वो नजर आती है। साथ ही उनकी बोली में देसी झलक भी दिखती है, जो इतना इंग्लिश नहीं जानती लेकिन बोल लेती है। दोनों ही किरदार एक दूसरे से अलग है लेकिन जुड़े हुए भी हैं। विद्या और शेफाली दोनों का ही परफॉर्मेंस फिल्म में सभी को पसंद आया है, और दोनों ने ही काफी तारीफें भी हासिल की हैं। तो क्या आपने फिल्म जलसा देखी है, और आपके फिल्म के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें और सेफ रहें।